साध्वी प्रज्ञा, ये वो नाम है जिसके जरिए हिंदुओं को आतंकी दिखाने की साजिश की कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस के बड़े मंत्री लग गए हिंदुओं को आतंकी साबित करने में। कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने हिंदुओं को आतंकी साबित करने के लिए सरकारी तंत्र को भी लगा दिया। खुलेआम बोलने लगे कि हिंदू आतंकी है। संघी आतंकवाद मैं कहता हूँ, जो पकड़े जाते हैं वो संघी संघ से संबंधित क्यों होते हैं? धर्मांधता फैलाने वाली विचारधारा से हिंदुत्व के साथ क्यों संबंधित होते हैं? क्यों है ऐसे? ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सेना और साधु संतों को जबरदस्ती आतंकी बताया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। कांग्रेस सरकार की साजिश का पर्दाफाश हुआ। एक एक करके सेना के अधिकारी और साधु संत कोर्ट से निर्दोष साबित होने लगे। आज वही संत कांग्रेस के उन नेताओं के सामने धर्म युद्ध लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जिन साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने आतंकी कहा, आज वो कोर्ट से बरी होकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ धर्म युद्ध करने के लिए खड़ी है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ये चुनाव नहीं धर्म की अधर्म से लड़ाई है। मैं सन्यासी हूँ, सत्ता मेरे लिए नहीं, मैं मार्गदर्शक हो सकती हूँ, दंड शक्ति का काम कर सकती हूँ, लेकिन ये धर्म युद्ध है, मुझे इस धर्म युद्ध में आना ही पड़ा। सवाल ऐसे में कई खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस के हिंदुओं को बदनाम करने के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई है ये? क्या हिंदुओं की खुद को बचाने के लिए लड़ाई है ये? क्या हिंदुओं को आतंकी बताने वाले लोगों के खिलाफ देश की एकजुटता का परिचायक है ये? क्या साध्वी प्रज्ञा की तरह देश के दूसरे हिंदुओं की भी लड़ाई है ये? क्या देश के हिंदुओं को एक साथ खड़े होने की लड़ाई है ये? जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद के नाम पर देश के हिंदुओं को बदनाम करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। देश ही नहीं, दुनिया में हिंदुओं को आतंकी दिखाने की साजिश की गई थी। हिंदुओं को साजिशन आतंकी दिखाने के लिए कांग्रेस सरकार ने अपने हर मंत्रालय को लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। तो साध्वी और दिग्विजय, ये दो प्रतीक है, इन दो प्रतीकों का आपस में क्या संबंध है ये भी समझना जरूरी है। इसलिए हमने साध्वी प्रज्ञा जी की बहन को तब यहाँ पर बुलाया था, दोनों बहनों को, उनके बहनों को, जब वो जेल में थी। उन्होंने खुद बताया था दिग्विजय सिंह और साध्वी के क्या संबंध है। देखिए है कि जब वो स्टूडेंट लीडर थी, संन्यास लेने के कुछ समय पहले की बात है, कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उनके साथ उनका टकराव हुआ था। जी, ऐसा था कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, ना लड़कियों का ना लड़कों का, तो हम दीदी ने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ कॉलेज होना चाहिए, हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो 11वीं में पढ़ के उन्होंने कॉलेज की मांग की थी, तो इस कॉलेज की मांग के लिए जो आंदोलन किया था उसमें 2 से 3 महीने तक सारे लहार जो हमारा नगर जहाँ थे हम, सारे नगर के विद्यालय बंद रखे और क्वार्टरली एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा भी नहीं होने दी, और इसमें पूरा समाज, पूरे स्टूडेंट्स और टीचर भी हमारे साथ थे, उनके नेतृत्व में थे। तो इसलिए उन्होंने जब वो मांग की, वो आंदोलन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह के आने का था और हमारा जो ज्ञापन था उनको देना था, और देने के बाद उनसे आश्वासन लेना था कि हाँ भाई हम इस दिशा में काम करेंगे, कदम उठाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आने का जो समय था वो समय आधा घंटा लेट हो गया, और आधा घंटा लेट होने के कारण दीदी वहां से चली आई, दीदी चली आई, सारे स्टूडेंट्स चले आए, तो उनकी संख्या लगभग आधी रह गई। जब वो आधे घंटे बाद आए, दिए हुए समय के बाद आधे घंटे बाद आए जब वो, तो हमें सरकारी अधिकारियों की तरफ से गाड़ी भेजी गई कि जाओ वो जो प्रज्ञा दीदी हैं उनको बुला लाओ और वो अपना ज्ञापन दे लें, अपनी बात कह दें। तो उन्होंने कहा था ले जाओ अपनी गाड़ी, मैं ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री से, किसी भी नेता से नहीं मिलना चाहती जो समय का पाबंद नहीं है, जो समय का पाबंद नहीं है वो क्या समाज और राष्ट्र का कार्य करेगा, मैं नहीं मिलना चाहती। तो वो नहीं मिली,
तो इसी कारण आप देखिए कि जितने भी वाक्य टीवी पर न्यूज चैनल्स में दिखाए जाते हैं, इसी की टीस बोलती है उसको, दिग्विजय सिंह को इसी की टीस बोलती है कि जब जो भी काम जो भी बात होती है हर बात में वो दीदी का विरोध करता है। ये टीस उसको कहीं ना कहीं अभी भी कचोटती है कि मेरी गलती पे किसी एक साधारण सी स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया। और यह कहा जाता है कि जो उनका उनकी जो उभरता हुआ नेतृत्व है वो ओडिशा के किसी घटना में सामने आ गया और फिर तब वो निशाने पे आ गई कि आप इनको चुनना है निशाने के तौर पर। जी, वो जब संन्यास हुआ उनका उसके कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ था कि उड़ीसा के जो उड़ीसा का जो बनवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में कन्वर्शन चलता था, जिसे धर्मांतरण बोलते हैं। धर्मांतरण चलता है, ईसाई मिशनरीज बनवासियों को ईसाई बनाते थे। वहाँ एक लक्ष्मणानंद जी करके एक संत थे, वो वहाँ अपना काम चला रहे थे कि भाई ऐसा कन्वर्शन मत करो, मना कर रहे थे कि ऐसा ठीक नहीं है। तो इस बात की चिंता, तो ईसाइयों ने क्या किया था कि उनको, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए मीडिया का, तो उनको काट के उनके इतने इतने टुकड़े करके बाथरूम में भर दिया था। तो इस का विरोध करने के लिए और इस उनकी आत्म शांति के लिए साधु समाज ने एक सभा बुलाई थी। उस सभा में दीदी भी गई थी, दीदी चूंकि संत थी इसलिए वो भी गई थी। और उन सभी का वक्तव्य जो था वो ऐसा था कि ये सब नहीं होना चाहिए। चूंकि दीदी बहुत प्रखर थी इसलिए दीदी ने इस प्रकार का भाषण दिया, इस प्रकार का ओजस्वी तरीके से वो बोली कि लोगों को बहुत समझ में आया और बहुत सारे जो धर्मांतरण करके हिंदू ईसाई बना लिए गए थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये धर्म बुरा है, ये ऐसा करते हैं इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात की पूरी खबर, नाम ले देती हूँ, कार्यक्रम बिंदास बोल है, इस बात की पूरी खबर सोनिया गांधी ने मंगवाई और उसी दिन से उसको खटका हो गया कि अगर ये साध्वी बाहर रही, अगर इसने अपना काम शुरू रखा इस तरह से ओजस्वी भाषण से लोगों को, अगर मिशनर वो ईसाई नहीं बनने दिया, कन्वर्शन अगर नहीं होने दिया, तो फिर हमारा काम तो पूरा खराब ही हो जाएगा, हमारी सत्ता तो टिक ही नहीं सकती। इसलिए सोनिया गांधी ने आदेश दिया पुलिस को कि इस साध्वी को किसी ना किसी ऐसे केस में डालो कि वर्षों तक इसको बाहर नहीं आए, वरना इसका जो ये जो आग उगलती है ना अपने भाषणों में, ये जो हिंदुत्व की बात करती है, ये जो कन्वर्शन को रोकने की बात करती है, इससे ईसाई मिशनरीज का मटिया मैट हो जाएगा। इसके तहत बहुत देर तक उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और पुलिस ने, हम आप तो ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस और इनको क्या आपत्ति थी, ये हमने निशाने पर क्यों साध्वी है ये आपके सामने रखा, लेकिन साध्वी के प्रताड़ना की बात हिंदुस्तान के सामने जानी चाहिए, इसलिए उनके परिवार वालों ने ही क्या बताया साध्वी के प्रताड़ना पर। देखिए, एक जब थक जाता था मारते मारते तो दूसरा मारने लगता था, इस तरह से सारे लोग उन्हें मारते थे। और फिर इस बोले स्टूल पे बैठ जाओ, तो जब दीदी बैठने लगी तो एक ने स्टूल खिसका दिया और दीदी धम से नीचे गिरी, बेहोश हो गई। और इसी कारण उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई कि आज भी वो बिस्तर पे हैं। दीदी के इतने इतने हाथ जो थे वो काले थे। इंस्पेक्टरों के सर्किल बना करके इस तरह से वो फुटबॉल के जैसे एक साइड से मारे तो दूसरे साइड आए, दूसरे साइड से मारे तो तीसरे साइड जाए। यंग और वो भी डायनामिक यंग व्यक्ति की हड्डी टूटने के लिए तो बहुत बड़े टॉर्चर की जरूरत। गीता रामायण उनके सामने ला करके पेज फाड़ फाड़ करके और उड़ाते थे। उनको कुछ गौमांस खिलाने की जबरदस्ती की गई, उनको अश्लील फिल्में दिखाने की जबरदस्ती की गई, या बातें जो अखबारों में आई है। तोड़ डालने से, पीट डालने से पूरा काम नहीं हुआ तो भद्दी सीडी दिखाई गई, ब्लू फिल्म बोलते हैं, ऐसे इस तरह के फिल्म की कुछ सीडी दिखाई गई। जो बातें इनके द्वारा की जा रही है वो बातें अगर किसी संत ने या किसी भी व्यक्ति ने की होगी तो उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने का अधिकार साध्वी प्रज्ञा को है। लेकिन करकरे के खिलाफ बोलने के बाद सोशल मीडिया के वो लोग, जो लोग वैसे ही साध्वी के खिलाफ खार खाए हुए थे, वो साध्वी के खिलाफ टूट पड़े और उन्होंने कहा कि ये तो शहीदों का अपमान है। करकरे ने जो किया, जिसके साथ किया, वो अपनी व्यथा नहीं बताए तो किसको बताए।
ये तो आप अपनी अभिव्यक्ति की बात रखने के अधिकार को ही छीन रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि जिस करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने बात कही है उन्हीं करकरे के बारे में एनआईए ने कहा है जो घोर आपत्तिजनक है। हमने जब भी करकरे आज तक विषय आया इस विषय को नहीं छुआ, क्योंकि हमने कहा यह बोलने का एक्सक्लूसिव राइट साध्वी प्रज्ञा का है, वो जो बोले हम दिखाएंगे। लेकिन आज उनके बहाने जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ट्वीट कर रही है, जब आजम खान ने कहा था कि हम इन ऑफिसरों से जूते साफ करवाएंगे तब तो एसोसिएशन ने ट्वीट नहीं किया, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि हम इनकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे तमाम वाक्य इस हिंदुस्तान में हुए जब अधिकारियों को न जाने क्या क्या प्रताड़ित करने से लेकर अपमानित किया गया, तब तो एसोसिएशन नहीं बोली। लेकिन जब भी बात किसी हिंदू नेता या साधु संत के मुंह से निकलती है मीडिया उसको हवा दे देता है और फिर उस आग को आग की तरह फैलाया जाता है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे और साथ साथ में मैं आज आपको कई वीडियो दिखाने वाला हूं। कुछ वीडियो हमारे पुराने हैं जिस कारण उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्योंकि यह ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको खराब क्वालिटी होते हुए भी उसको देखना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम जी। बोलिए। साध्वी प्रज्ञा जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हुई है। सत्य पराजित नहीं होता, अंत में विजय धर्म की ही होनी है। कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जो पुलवामा हमले को एक दुर्घटना बताता है, मैं कहता हूँ इस गद्दार का हमारे देश में पैदा होना ही सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस पर तो जितना थूका जाए कम है, पर ये उसे भी चाट जाएगा, क्योंकि आदमी बहुत बेशरम है। ये गद्दार जाकिर नायक का दरबारी मुस्लिम वोटों और उनके फंड के लिए उनके तलवे चाटता है और उनके आगे अपना मुंडन करवाता है और देशभक्तों को गद्दार कहता है, हिंदुओं को आतंकी बताता है। चलिए, दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों को इन शब्दों पर आपत्ति हो सकती है क्योंकि तीखे और ज्यादा कड़वे है, लेकिन जिन भावनाओं को आहत किया है दिग्विजय सिंह और गैंग ने, उनको ये भी सुनना पड़ेगा। करकरे जी की बात हो रही थी तो कर्नल पुरोहित, जो कि सेना में भी एक मेडल लेने वाले राष्ट्रवादी देशभक्त, अब ये सेना वाला होता है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को जब गलत फंसाया गया हो तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको चूज करना पड़ेगा, या तो कर्नल पुरोहित सही है या फिर उनको फंसाने वाले सही है, कौन सही है? और केवल बात कर्नल पुरोहित तक की नहीं थी, इसमें मेजर उपाध्याय भी थे, ऐसे तमाम वो लोग हैं जिन लोगों की बात आखिर देखिए, सत्य बहुत कड़वा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, शॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन सत्य का सामना करने का जिस समाज के पास साहस नहीं है वो समाज कभी भी अपने अंदर के दोषों को दूर नहीं कर सकता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। बोलिए सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग, अगर कोई हिंदू नेता या हमारा धार्मिक संत समाज जो है वो देश हित की बात करता तो ये लोग उसको जेल में डाल देते हैं, और जब ये पाकिस्तान के समर्थकों का समर्थन करते हैं तो तब ये धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो सामाजिक दोष है और इस विकृति को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये कोई कानून बनने से नहीं होती है। वैसे तो कानून जो है देशद्रोह का उसको भी कांग्रेस हटा रही है, लेकिन फिर भी ये सामाजिक स्तर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा देना बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये बदलाव आ सकता है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि उनकी बहन क्या बता रही है साध्वी के अत्याचारों के बारे में, साध्वी प्रज्ञा खुद क्या कह रही है देखिए। इस रूम में ऑफिस, इनका जो काला चौकी में ऑफिस था, इस रूम में प्रताड़ना हो रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर दूसरे ऑफिसर ने बुला लिया तो दूसरे ऑफिसर के रूम में गए तो ये लोग ऐसे पकड़ते थे और पकड़ के जोर से ऐसे पटकते थे। तो उसमें ही आपको स्पॉन्डिलिसिस और ये सारी
देखी होगी, लेकिन आज के शो के परिप्रेक्ष्य में इसका एक और हिस्सा आपको आज देखना जरूरी है। देखिए, मुझे ये तक समझ में नहीं आया कि ये पीट क्यों रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, आखिर कारण क्या है? पहले ही उन्होंने पीटा, प्रश्न बाद में थे, और उसमें कोई महिला नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, सब पुरुषों ने पीटा। खानविलकर, आवार्ड, ये दो इंस्पेक्टर थे, खानविलकर ने बहुत पीटा और आवार्ड उसका सहयोग कर रहा था। खानविलकर थक जाता था तो आवार्ड पीटता था, और आवार्ड थकता था तो खानविलकर पीटता था, और बेल्टों से पीटते थे। उन्होंने इतना मारा मुझे और मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। उस अवस्था में फिर इन लोगों ने मुझे एडमिट किया एक हॉस्पिटल में, बजे हॉस्पिटल था, सुश्रूषा हॉस्पिटल था, तो उसमें मुझे बेहोशी की अवस्था में लेकर के गए। वहां मेरे वस्त्र उतार दिए, भगवा वस्त्र उतार दिए, और एक कोई दूसरे कलर की फ्रॉक पहना दी। जब मुझे होश आया तब मैंने कहा कि ये क्या कपड़े हैं, लेकिन तब भी अर्ध बेहोशी की अवस्था थी तो ये लोग कुछ बोलते नहीं थे। बस हमारी जो स्थिति थी, ऑक्सीजन लगा था, वेंटिलेटर पे थी मैं, 5 दिन तक वेंटिलेटर पे रही। उस वेंटिलेटर की अवस्था में सुश्रूषा हॉस्पिटल में 3 दिन रखा, और बजे हॉस्पिटल में फिर उन्होंने चेंज करवा दिया कि कहीं कोई जानकारी ना ले ले, इसलिए फिर हॉस्पिटल चेंज कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनका ऑक्सीजन नहीं हटना चाहिए, पर उस अवस्था में ये लोग 3 माले मुझे चढ़वा के, पैदल चढ़वा के सीढ़ियों पे, और फिर मुझे रूम में लेके गए। यानी मानवीयता तो अंश मात्र भी नहीं थी। और इन मुद्दों को लेकर मैं पहला पत्रकार हूं जिसने तुरंत दिग्विजय सिंह को भी प्रतिक्रिया पूछी थी। क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, देखिए। चलिए, आपको साध्वी प्रज्ञा नाम छोड़ना पड़ा। नहीं, मैं उसके लिए भी कहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा बॉम्बे, आपने उनको फंसा दिया, मालेगांव ब्लास्ट में वो शामिल थी, आपने सुनील जोशी मर्डर में वो शामिल है, उनको तो निर्दोष बरी किया ना। बरी तो क्या, जब प्रोसिक्यूशन ही डिफेंस करने लगेगा तो क्या होगा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसी इतनी युवा, इतनी क्षमतावान, इतनी प्रतिभाशाली, आप उसको जानते नहीं, ऐसे साध्वी को, वो मेरे हमारे लहार के ग्राम सेवक की बेटी है, मध्य प्रदेश की। आप मुख्यमंत्री थे, वो स्टूडेंट लीडर थी, जी थी ना, तो आपको खुन्नस थी उसके। नहीं, कतई नहीं थी, तो कतई नहीं थी। उसके पिता 8.5 साल उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हो पाया। मैंने नहीं किया, क्या मध्य प्रदेश हिंदू आतंकवाद तो आपकी का, आपकी का नहीं, हिंदू मैंने नहीं कहा, हिंदू आतंकवाद संघीय आतंकवाद का है। हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो संघ के क्यों है ये साबित करने के लिए आपने फैब्रिकेट करके, फैब्रिकेट जिन लोगों को छोड़ा गया था उनको वापस अंदर लाया, अंदर लाया तो उनको वापस भेज दिया। ये मैं दिग्विजय सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को, नहीं केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं, किसकी थी महाराष्ट्र सरकार, आपकी की थी ना, एटीएस हेमंत करकरे, हाँ तो आपकी हेमंत करकरे, वो हेमंत करकरे क्या हिंदू थे क्या नहीं थे कि मुसलमान थे? नहीं, हेमंत करकरे हिंदू थे, अच्छे हिंदू थे, अच्छे थे कि नहीं, हम जाने वाले व्यक्ति पे क्या बात करनी चाहिए? साध्वी प्रज्ञा को जिस आदमी ने 10-10 फीट उठा के नीचे गिराया, मारा, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसको अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? इसके खिलाफ हूँ, इस तरह का किसी साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंटरोगेशन नियमों के तहत होता है। हाँ, तो लेकिन गलत हुआ, मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ। आज रीढ़ की हड्डी टूट के, कैंसर होके, मुझे साध्वी जेल में सड़ रही है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आज तमाम लोग और खास करके दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ने गलत बात की है, लेकिन ये वीडियो साक्षी है जिसमें दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि हाँ, इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए था। कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। से बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले साध्वी देवी का इंटरव्यू आपके ही चैनल से देखा था, और मैं जहाँ पर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग एक हिंदू आतंकवादी को 9 साल तक इतने परेशान कर रहे, जो कि है नहीं, और ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, मैं तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगी, साध्वी देवी बहुत बहुमत से जीतेंगी, भोपाल की सीट से लोकसभा में पहुंचेंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब 2 बार सीएम बने थे तो इन्होंने मध्य प्रदेश को बांट दिया, देरी मतलब होगी को हटा दिया, तिलक सिंह बंद कर दिया, मध्य प्रदेश राज्यपाल बंद कर दिया, हजारों लोग कर्मचारी बेघर हो गए,
और ये हमेशा ऐसा ही बोलते हैं और किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा के, कांग्रेस के चाहे ये चिदम्बरम हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं कहा कि सब साध्वी पे इतना अत्याचार हो तो ये गलत होना चाहिए, एक 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 शब्द भी नहीं बोला उनके बारे में, जबकि बोलना चाहिए था ना सर, है ना। हेलो, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको और स्पष्टता हो जाए। हमारे पास तो, मैं दावा करता हूं, हिंदू आतंकवाद को लेकर सुदर्शन के पास जितना कंटेंट है और खास करके साध्वी प्रज्ञा, सीमानंद जी, कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय से लेकर जिन लोगों को प्रसारित किया गया विश्व के किसी चैनल पर नहीं है, और इसलिए आपको मैं कई एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक कांग्रेस के कुछ नेताओं की पहले प्रतिक्रिया लिखे। संघी आतंकवाद मैं कहता हूं, जो पकड़े जाते हैं वो संघी संघ से संबंधित क्यों होते हैं, धर्मांधता फैलाने वाली विचारधारा से हिंदुत्व के साथ क्यों संबंधित होते हैं, क्यों है ऐसे? There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंदू आतंकवाद के झूठ को लोगों के सामने लाया, केवल लाया नहीं, उसका परिणाम ना केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत तौर पर साध्वी को जो भुगतना पड़ा, लेकिन विश्व में भी हिंदू बदनाम किया गया। विदेशी मीडिया क्या कहता है इस विषय पर, यह भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सुनियोजित योजना के धरातल पर रची गई इस साजिश की पड़ताल के लिए थोड़ा पीछे जाकर देखना जरूरी हो जाता है। जब 29 सितंबर को मालेगांव धमाका हुआ, उसके बाद ये मामला एटीएस के पास चला गया और शुरुआती कार्रवाई एटीएस ने की थी। जब ये मामला चल रहा था तब एटीएस चीफ हेमंत करकरे थे जो 26/11 हमले में आतंकियों की गोली का शिकार बने। साल 2011 में ये मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंतर्गत आ गया और अपनी जांच में एनआईए ने एटीएस की तमाम कार्यवाहियों को सिरे से गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया था। एनआईए ने पहले भी माना है कि महज एक मोटरसाइकिल को आधार बनाकर किसी को मकोका के तहत इतने सालों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। दरअसल इस पूरे मामले का अगर बहुआयामी विश्लेषण करें तो ये एक देश के अंदर की राजनीतिक साजिश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुओं को लेकर एक गलत धारणा विकसित करने की कोशिश के रूप में नजर आती है। चूंकि मालेगांव ब्लास्ट के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन के बेलफास्ट टेलीग्राफ और बीबीसी ने हिंदू टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, 110 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदू बहुल देश में पहली बार पुलिस ने हिंदू आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। गौर करना होगा कि उधर विदेशी मीडिया हिंदू आतंकवाद शब्द को स्थापित करने में बढ़ चढ़ कर काम कर रही थी, तो वहीं देश के कांग्रेस नीत सरकार के मंत्री और घटक दल भी हिंदू आतंकवाद शब्द को स्थापित करने की कोशिश में लग गए थे। यूपीए के उस समय के कृषि मंत्री शरद पवार अपने भाषणों में हिंदू संगठनों पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में तब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और गृह मंत्रालय एनसीपी के पास था। शरद पवार ने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हिंदू संगठनों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुंबई एटीएस ने इन्हीं शब्दों को अमल किया और बिना पुख्ता साक्ष्य के साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के तहत मुकदमा चलाने की बजाय मकोका के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। मुंबई एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी की तारीख भी गलत बताई थी। हिंदू संगठनों से हुई इस गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने में लगी गई। देश का सेकुलर खेमा भी जोर शोर से सक्रिय हो गया था। इस घटना के बाद मुंबई में 26/11 की आतंकी वारदात होती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया में ये कहते फिरते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है, जबकि वहीं देश में उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह एक किताब 26/11 आरएसएस की साजिश का न सिर्फ विमोचन करते हैं बल्कि यहाँ तक कह जाते हैं कि हेमंत करकरे ने उन्हें फोन पर बताया था कि उनको हिंदू संगठनों से धमकियां मिल रही हैं। कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह ये साबित करना चाहते थे
कि 26/11 का हमला संघ की देन है और हेमंत करकरे को हिंदू संगठनों ने मारा है। हालांकि जब NIA ने अपने आरोप पत्र में ATS पर ही तमाम सवाल खड़े कर दिए तो एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह पर उठा कि आखिर मुंबई ATS चीफ हेमंत करकरे किस प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से अपना दुखड़ा रो रहे थे। क्योंकि हेमंत करकरे से जिस बातचीत का दावा दिग्विजय सिंह ने किया है, उस बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह न तो देश के गृह मंत्री थे और न ही सरकार में थे, वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। भला एक ATS चीफ एक राजनीतिक दल के नेता से अपना दुखड़ा क्यों साझा कर रहा था? उसी कड़ी में ये खुलासा भी हुआ कि कांग्रेस की सरकार संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस लपेटे में लेना चाहती थी, लेकिन NIA चीफ ने इससे कन्नी काट ली और कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने की साजिश की गई, उसका कुछ असर तो आज भी देश को देश के अंदर और देश के बाहर कलंकित कर रहा है। तभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ट्वीट में भारत के एक बड़े राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए हिंदू मिलिटेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। दरअसल कांग्रेस की सरकार ने संघ को फंसाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन वे अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब होते उससे पहले बेनकाब हो गए। कांग्रेस का तो इसमें स्वार था और इसलिए हिंदू आतंकवाद के बहाने भाजपा पर हमला करके वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हवा देके हिंदू विरोधी ताकतें संघ को और हिंदू धर्म को बदनाम करना चाह रही थी, हिंदू के मनोबल में और गिरावट लाना चाह रही थी, उसके गुलाम मानसिकता के मन को और बढ़ावा देना चाह रही थी। केवल बात साध्वी प्रज्ञा की नहीं, जैसे इस पैकेज में बताया गया, संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात कही गई कि उनको भी फंसाने की बात हुई। मैं खुद साक्षी हूं, महाराष्ट्र के तब के होम मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर RR पाटिल थे, RR पाटिल ने मुझे खुद कहा था कि इंद्रेश कुमार को फंसाने के लिए हम पर दिल्ली से दबाव है, लेकिन मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं RR पाटिल NCP के नेता थे, राजनीतिक दल से उनका विचार कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने मुझे खुद कहा था, मैंने ये बात इंद्रेश जी तक पहुंचाई थी और उसके बाद इस पर उन्होंने कभी भी कांग्रेस के दबाव में कम से कम इंद्रेश जी को FIR में या किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं फंसाया। तो क्या अगर इंद्रेश जी फंसाने के लिस्ट में होते तो आज RSS का अधिकृत तौर पर कोई व्यक्ति इनको जो चाहिए था वो भी मिल जाता। और ऐसे तमाम और मुद्दे भी है, लेकिन खुद साध्वी के जुबानी जब हम आपको उनके अत्याचारों की कहानी सुना रहे तो एक और वीडियो देखिए। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असल नहीं है मेरे लिए कहना, रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे, खून आ जाएगा, बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे एक आध घंटे में, और फिर शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला, कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी, ये उनकी देश विरोधी, देश को तोड़ने की का कुचक्र था। सुबह हो जाती थी, पिटते पिटते लोग बदल जाते थे पीटने वाले, लेकिन पिटने वाली मैं सिर्फ अकेली रहती थी। एक रात एक दिन पूरा पीटा,
प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर क्यों पीट रहे हो। मैंने भी अपने को इतना तो सोच के रखा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा कारण है। और जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो कोई बात ही नहीं थी पूछने वाली। तुमने विस्फोट किया। मैंने कहा नहीं किया, जो काम मैं नहीं करती उसको स्वीकार भी नहीं करूंगी। उसके बाद बोले तुम आतंकवादी हो, आरएसएस आतंकवादी है। किस किस से मिली तुम, किस किस के साथ तुम्हारी बैठकें होती थी, तुम कैसे प्रशिक्षण देती थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। सन्यासी जीवन को गालियां दी जाती हैं। मैंने इतना विचार कर लिया कि इदम राष्ट्राय इदम नमः। साध्वी प्रज्ञा जेल में रहते हुए उनको कैंसर हुआ। कैंसर का बड़ा कारण उनके शरीर में छोड़े गए उनके असहमति के बगैर के वो केमिकल थे, जिन केमिकल का अनुपात इतना ज्यादा था कि वो कैंसर से पीड़ित हो गई। साध्वी खुद बताती है जिस प्रकार के उनकी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो या तमाम प्रकार के ऐसी टेस्ट की गई जिसके लिए उनकी सहमति जरूरी थी, लेकिन उनकी सहमति लिए बगैर भी, और खास करके इन टेस्ट को बार बार इसलिए किया गया कि यह बताया गया कि ये योगी नहीं है, सन्यासीन है, और इसलिए योगा में साधना में ये ज्यादा इतनी प्रभावी है कि केमिकल का छोटा ढोस इन पर असर नहीं करता, इसलिए अपना सच बोल नहीं रही है। हम उसको नशा के लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे, इसलिए अनुपात से ज्यादा केमिकल छोड़ा गया और उसके बाद उनको कैंसर भी हुआ। खुद साध्वी इस पर क्या कहती है देखिए। मैंने कहा तुम मार दोगे मुझे, मुझे पीट लोगे, मुझे तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, खत्म कर दोगे, लेकिन तुम जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो वो मैं कभी सिद्ध नहीं होने दूंगी और ना ही होने दिया। मेरे 3 बार नार्को टेस्ट हुए, 3 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, 3 बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए। ये टेस्ट मशीनी टेस्ट होते हैं जिनके कारण बॉडी में केमिकल्स दिया जाता है, उसके कारण मुझे कैंसर हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मैं 9 वर्षों तक बिस्तर पे थी, करवट भी अपने आप से नहीं ले पाती थी। लेकिन हमारा एनकाउंटर करने का भी प्रयास किया, मुझे लगता था कि मार डालेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम एक बात ध्यान कर लो, यहां जो बैठी हमारी देशभक्ति है, भारत माता है, हमारे ठाकुर जो यहां विराजमान है, इस हृदय तक तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। अगला वीडियो देखते हैं। किसी का पद छीना था, लेकिन ये सब उनके कारण नहीं होते। उनके कारण होते हैं कि आप देश के भक्ति की बात मत करिए, आप देश के हित की बात मत करिए। अगर देश के हित की बात आप करने लगेंगे तो सत्ता पर वो कैसे विराजमान रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे टारगेट किया। टारगेट करके मैं एक घटना सुनाऊंगी आपको, जब फिर मिलूंगी फिर दूसरी घटना सुनाऊंगी, नहीं तो आप मीडिया के माध्यम से दूसरी घटना सुन पाएंगे। मैं एक ही घटना सुनाऊंगी आपको। जब मुझे लेकर के गए गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक रखा, पहले ही दिन बिना कुछ पूछे हुए उन्होंने मुझे बुलाया, ढेर पुलिस थी, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके जो पीटना शुरू किया, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है और उस बेल्ट में एक लकड़ी की मूठ लगा लेते इतना मजबूती से कि वो इनके हाथ में पकड़ा जाता है, और वो उस बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूज के चला आता है, आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। ये जो बेल्ट मारते थे पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके।
साध्वी जी ने चलते चलते में भी ऐसे ही कई घटनाओं को भी बताया जो आज देखना जरूरी है। इन सारे मैटर में एक भगवा आतंकवाद ये बात सामने लाने के लिए ये किया गया, ये सर्वश्रुत है, इसको आप कैसा देखती हैं? ये तो एक कहानी का एक पार्ट मुझे तब समझ में आया जब पी चिदम्बरम के मुंह से ये शब्द निकले भगवा आतंकवाद। ये शब्द सुन के ही मुझे प्रताड़नाओं के समय जो मुझे गालियां दी जाती थी मेरे सन्यासी जीवन को और मेरे लड़की जीवन को, इस तरह से जो कहा जाता था, ये उसी दिन समझ में आया कि अच्छा ये बात थी, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए इतना मारधाड़ जारी थी कि इनको भगवा आतंकवाद सिद्ध करना था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं जेल में थी और टीवी चल रहा था, उसमें उस दिन राहुल गांधी उपाध्यक्ष चुने गए थे और उनके उपाध्यक्ष चुना जाना और ये जो पी चिदम्बरम है, दिग्विजय सिंह है, शिंदे है, इन लोगों के मुंह में सिर्फ भर भर के कहा जाना भगवा आतंकवाद और हमारा भी नाम लेना, भगवा आतंकवाद कहना, ये सब उनका एक बिल्कुल सोची समझी चाल। और ये जो पूरा षड्यंत्र मुझे जबरदस्ती लाना, इस प्रकार से फंसाना, इतना ज्यादा प्रताड़ित करना, और कुछ नहीं बना तो मकोका लगा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को भी फंसाने का कैसा षड्यंत्र हुआ था ये भी जानना इसलिए जरूरी है कि अगर साध्वी प्रज्ञा को फंसाया जा सकता है तो विश्व के सबसे बड़े हिंदू सांस्कृतिक संगठन के मुखिया को भी प्रयास किया गया। देखिए आज जब एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं और मालेगांव समझौता ब्लास्ट और अजमेर ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा और स्वामी असीमानंद जैसे लोगों को बरी किया जा रहा है तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मालेगांव समझौता ब्लास्ट और अजमेर ब्लास्ट के बहाने तत्कालीन कांग्रेस सरकार किन साजिशों की रचना कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने की सुनियोजित साजिश कांग्रेस ने बेहद योजनाबद्ध ढंग से की थी। इन तमाम सवालों की तहों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है। एक अंग्रेजी समाचार चैनल ने साल 2008 से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद चौंकाने वाला है। फाइल्स नोटिंग से मिली जानकारी के आधार पर ये दावा किया गया है कि कांग्रेस नीत UPA 2 सरकार ने मालेगांव और अजमेर ब्लास्ट मामले में RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत से पूछताछ करने के लिए NIA पर दबाव बनाया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों द्वारा मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश भी की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण को जब मालेगांव ब्लास्ट से जोड़कर देखते हैं तो तमाम परतें खुलती जाती हैं। दरअसल मालेगांव और अजमेर ब्लास्ट के बहाने कांग्रेस खुले तौर पर हिंदू आतंकवाद नामक धारणा को स्थापित करने की कोशिश में लगी थी। सिलसिलेवार ढंग से कांग्रेस द्वारा इस शब्द को मान्यता में लाने की भरसक कोशिशों को अंजाम दिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ की गई साजिश को इस कड़ी में ही कांग्रेस द्वारा किए गए एक प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले साल 2013 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदू आतंकवाद का राग अलापने का काम किया था। ये बयान सुशील शिंदे ने गृह मंत्री रहते हुए दिया था जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मंशा को दिखाता है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी संघी आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने का काम करते आ रहे हैं। मोहन भागवत जी को फंसाने की इस कोशिश का तो पर्दाफाश हुआ ही, लेकिन साध्वी खुद बताती है कि उनको भी ये लोग क्यों नहीं फंसा पाए और क्या है उनका खुद का वर्जन, देखिए। मैं मेरी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है इस देश का है। बस इतना विचार करके मैं पिटती थी। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ
बोले और बिना सोए हुए सिर्फ पिटती थी और गालियां खाती थी। भारत माता की जय। लेकिन उनको नहीं पता था कि देशभक्तों की ताकत क्या होती है, देशभक्तों में कितनी शक्ति होती है, कि विधर्मियों को क्या पता है, वो तो रुपयों में भी बिक जाते हैं, वो तो कपड़ों में भी बिक जाते हैं। इन विधर्मियों को क्या मालूम, दूसरों की पत्नी को छीन लेते हैं क्योंकि दिल आ गया है। एक उसके पति को बाद में तलाकपति से तलाक दिलवा दिया जाता है। जहां हमारे यहां चतुर जो हमारा जीवन होता है उसको चार भागों में बांटा जाता है, जो संन्यास काल होता है उस उम्र में अपनी बेटी की उम्र से उम्र की किसी की पत्नी को छीन करके लाना, कि कितना बड़ा अपराध। एक रावण माता सीता को लेकर के गया, ये स्त्री की बात कर रही हूं, माता सीता को अपहरण करके लेकर के गया, राम जी ने उसके कुल का विनाश कर दिया। मैं कहती हूं किसी भी प्रकार से मनसा वाचा करना, किसी भी प्रकार से यह द्रोह है, स्त्री का सम्मान न करना, किसी की स्त्री को छीन लेना, बाद में षड्यंत्र के तहत उसके पति को उससे अलग कर देना, ये दुराचार है, ये दुष्चरित्रता है। भले ही उसको फिर बाद में राजनीति को उपयोग करके उससे कहलवा दिया जाए कि हम तो तुम्हारे हैं, मजबूरी में हर कोई सीता माता नहीं हो पाता। और ये दुष्चरित्रता उन्होंने हमारे ऊपर भी थोपना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सन्यासी किसे कहते हैं, राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं, राष्ट्र पर समर्पित होने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देख लिया और समझ लिया कि ये वो शक्ति होती है कि हम घुटनों के बल हो जाए तो नाक रगड़ रगड़ के रह गए, लेकिन मैंने एक बार भी इस जो वो कहलवाना चाहते थे वो नहीं बोला। देश में इस प्रकार का काम करने वाले, राष्ट्र धर्म का काम करने वाले तमाम लोगों को ऐसे शक्तियों से सावधान रहने का संदेश भी साध्वी देती है। क्या कहती है देखिए। आज को मैं आपसे इसलिए कहने आई हूं कि ये और किसी के साथ ना हो, जाग जाइए, क्योंकि ये बीच में जो बैठे षड्यंत्रकारी जो हमारे भोपाल में आयातित किसी भी प्रकार से कुत्सित मानसिकता के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं और भगवा को आतंक कहने वाले, भगवा का जो बलात्कार कर रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। मेरी बात पे तालियां मत बजाइए, क्योंकि मैं आपको अभी कोई सुख नहीं दे सकती। हमारी भारत मां, हमारा राष्ट्र संकट में है इस देशद्रोहियों के कारण। हमारे सैनिक जो सीमा पर अपनों को आहूत करते हैं, बलिदान देते हैं, वो सैनिक किसी न किसी के बेटे होते हैं, किसी माँ के बेटे होते हैं, किसी बहन के भाई होते हैं, किसी पत्नी के पति होते हैं, किसी बच्चों के पिता होते हैं। जब वो आहूत होते हैं तो अपने सब अपना सब कुछ भूल करके इस देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, परंतु दुश्मन देश हमारे देश को किसी भी प्रकार का संकट ना पहुंचा पाए, किसी प्रकार से आक्रमण ना कर पाए, किसी प्रकार से नुकसान ना कर पाए। हम अपने देश को सुरक्षित रखें, इसलिए अपने को बलिदान कर देते हैं। कई कॉलर आज लाइन पर है और मैं देख रहा हूं कि लाइव स्ट्रीमिंग पर जो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर ऐप है उस पर भी बड़ी संख्या में लोग शो को देख रहे हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं और भी आपके सामने कई मुद्दे रखने हैं। जय हिंद, बोलिए बोलिए। मेरा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, आप जो कदम उठा रहे हैं ना, बहुत अच्छा कदम है, और कोई सी टीवी चैनल वाला ऐसे नहीं करते हैं। साध्वी जी को प्रणाम है, उनका साहस को, धैर्य को और देशभक्ति को, और उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ इसको देखकर हमको जितना दुख होता है उतना क्रोध भी आता है और आश्चर्य भी होता है। और इनके जो नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी टेस्ट, इतने इतने सारे टेस्ट किया, हमें तो लगता है सारा दुनिया में कहीं भी
ऐसे जुल्म किसी के ऊपर नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। ये कसाब पकड़ा गया था तो उसके साथ भी ये नहीं हुआ था। कसाब को तो बिरयानी खिलाने से लेके न जाने क्या क्या किस्से हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, चैनलों पर दिखा चुके हैं। लेकिन एक भगवा सन्यासी होने का कितना बड़ा रिस्क है आज इस हिंदुस्तान में, ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद आपके घर में अगर कोई झोली लेकर आता है तो उसको ऐसे ही भिखारी कहकर मत भेजिए, क्योंकि जानिए कि वो क्यों सन्यासी हुआ है। कलर के पास चलता है। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ। वंदे मातरम। बोलिए। हेलो सुरेश जी, आपको धन्यवाद है। हम कोलकाता से जयदेव गंगुली बोल रहा है। हाँ। आपको इसलिए धन्यवाद है जी, पोग्गा जी, सरदार पोग्गा जी का वो तो एक महिला को आप ला के देखा के समस्त हिंदू को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारा यही वक्तव्य है कि हम तो खुद उसको 10,000 फोटो कैलेंडर छाप के हम वितरण करेगा। और हमारा यही निवेदन है आप भी मैंने उसको लिए कुछ प्रचार कीजिए। और एक बात, आपको हमारा हिंदी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके भावना हम तक पहुंच गई है। आपकी भाषा क्या है ये जरूरी नहीं, भावना क्या है ये जरूरी है। और इसलिए मैंने इतने विस्तार से ध्यान से आपकी कॉल को सुना। मैं जानता हूं हम हिंदी चैनल सब लोग नहीं देख सकते या सब लोग समझ नहीं सकते। मैं पिछले दिनों मैंगलोर में गया था, दक्षिण कर्नाटक में, वहां पर मुझे कई लोग ऐसे मिलने आए जो हिंदी का एक शब्द बोल नहीं सकते। शायद उनको सारे शब्दों का अर्थ भी पता नहीं है, लेकिन वो बिंदास बोल देखते हैं, चलते चलते देखते हैं और कहते हैं कि सुरेश जी शब्द तो नहीं समझ में आते लेकिन शो से भावना समझ में आती है। और इन्हीं भावनाओं के लिए चैनल की निर्मित हुई है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जय हिंद। बोलिए। मैं तो जी मैं उड़ीसा से हूँ, सुनील हूँ। हाँ हाँ, साध्वी जी के ऊपर जो जुल्म किया है उन्होंने, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट इत्यादि करके, तो उनके जो दोषी है अपराधियों को सजा देना है, कठोरतम सजा देना चाहिए। आप उड़ीसा से कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से नवरंगपुर जिला से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से कॉल आया है और मैं साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर धर्म के लिए शो कर रहा हूँ, तो मुझे दारा सिंह भी याद आ रहे हैं। दारा सिंह जिनको जेल में अभी भी रखा हुआ है, जिन्होंने दंतेवाड़ा में हमारे 68 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की, वो भी छूट गए। इस देश में तमाम प्रकार के आतंकवादी और कितने हत्याएं करने वाले छूट गए, लेकिन दारा सिंह को अभी भी ना माता की अंतिम विधि के लिए, ना पिता के लिए, ना किसी चीज के लिए छोड़ा नहीं गया है। और जो अभी एक नक्सली पकड़ा गया है जिसको जेल में डाला हुआ है, कोर्ट ने ना कहने के बावजूद उसको छोड़ने के लिए कई संगठन मिलकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज भी दारा सिंह पर बात नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? जी वो तो समय ही कहेगा, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होगा एक दिन। ऐसे साध्वी प्रज्ञा जी को भी न्याय मिलेगा, सत्य मिलेगा, ऐसे हमारा भरोसा है। बिल्कुल। और दूसरे चैनल वाले साध्वी जी को अभी आज भी आतंकवादी बोल के दिखा रहे हैं, वो उचित नहीं है। इसलिए आपका जो बिल्कुल बिल्कुल वो चिंता मत करिए, दूसरे चैनल तो पहले भी दिखा रहे थे, लेकिन क्या उगते सूरज को अगर मुर्गे को ढक के रखा जाए तो सूरज नहीं उगेगा? हिंदुस्तान के टीवी चैनल क्या कहते हैं इसके आधार पर सत्य क्या होता है ये तय नहीं होगा। सत्य सत्य है। मैंने दिग्विजय सिंह को, साध्वी को जब भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो मैंने दिग्विजय सिंह को ट्वीट करके अपील की, जो आज के शो से मैं लाइव में कह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी, यह साध्वी नहीं सत्य है। आपके द्वारा हिंदू आतंकवाद का जो भूत खड़ा किया गया था, धर्म का अपमान किया गया था, उसकी सबसे बड़ी पीड़ित नियति ने आज आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है। आपका पराजय निश्चित है। अपने आप को अब हिंदू कहते हो, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे क्षण में आपने साध्वी को शरण जाना चाहिए। शरण जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करिए, शायद इतिहास आपका पापों को कुछ कम कर दे, भूल दे, एक अलग व्यक्ति के तौर पर याद रखे। लेकिन आप अगर राजनीतिक किसी पद के लिए लड़ाई जारी रखेंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। नियति का ये निर्णय है। दुनिया में शायद ही कहीं पर ऐसी घटनाएं घटी होगी जो आज आपके साथ घट रही है। इसलिए मैं दिग्विजय सिंह को साध्वी के सामने शरण जाने के लिए कहता हूं। उनकी शरणागति भारतीय जनता पार्टी या उनके खिलाफ खड़े किसी राजनीतिक उम्मीदवार के सामने नहीं,
बल्कि एक सत्य और धर्म के सामने है, और इसलिए आज के शो का नाम मैंने धर्म बनाम अधर्म कहा था। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।